एक पत्नी थी, वो अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसके बाद उसका पति घर आया। उस पत्नी ने अपने पति को चाय दिया, पानी दिया। उसके बाद उसका ऑफिस का बैग एक किनारे रखा। उसके बाद उनके शूज निकाले। उसके बाद वो बैठ गई। तो पति ने कहा, क्या बात है, कुछ चाहिए तुमको, कुछ बोलना है? तो पत्नी ने बड़े, मतलब जिसको कहते संकोच से, बोला हाँ, कहीं क्या है, बोलो बताओ मुझसे। तो पत्नी ने कहा, आप नाराज़ तो नहीं होगे, अन्यथा तो नहीं लोगे बात को? पति ने कहा, नहीं नहीं भाई, क्यों अन्यथा लूँगा, तुम मेरी पत्नी हो, निसंकोच मुझसे हर बातें कर सकती हो। तो पत्नी ने कहा, अच्छा। तो पत्नी ने अपने पति से बोला, ये बताइए, हमारी शादी को कितने साल हो गए? पति ने कहा, ये तुम कैसे सवाल लेके आज बैठ गई हो? तो कहे, नहीं बताइए तो, हमारी शादी को कितने साल हो गए? तो पति ने कहा, हमारी शादी को 28 साल हो गए। तो पत्नी ने कहा, क्या ऐसे ही जीवन बीत जाएगा? पति ने फिर कहा, ये तुम कैसे सवाल लेके बैठी हो आज, तुम्हारे दिमाग में आज ये कैसे सवाल उत्पन्न हुआ, तुम बताओ। कहे, ये बताइए, हमारे भी तो सीने में दिल है। पति ने कहा, हाँ, मतलब बहुत आश्चर्य हुए कि आज ये मेरी पत्नी मुझसे कैसे सवाल पूछ रही है, कुछ तो रीजन होगा। मतलब पति ने बड़े नॉर्मल से अपनी पत्नी से बात किया जो है। तो कहे, क्या है बात है, तुम मुझसे मतलब क्लियर बात करो। तो पत्नी ने कहा, बच्चे बड़े बड़े हो गए, बच्चे बाहर चले गए, बच्चे अपने अपने कमाने लगे, और हमको भी तो कुछ चाहिए। जब बच्चे छोटे थे तो हमने अपनी जिम्मेदारी बच्चों में दी, उसके बाद घर में दी, और आप ऑफिस चले गए, ऑफिस से उसके बाद आप घर आए, घर से फिर आप दोस्तों के बीच चले गए, दोस्तों के साथ टहले घूमे, उसके बाद कहीं कुछ और काम किया, फिर घर आए, अपने माँ बाप के उसमें लग गए। तो फिर ये बताइए, मेरे लिए आपने समय कहाँ दिया? फिर पति बोला, आज तुम कैसे सवाल लेके बैठ गई हो? कहे, नहीं आप बताइए तो, 28 साल हमारी शादी को रुक गए, आपने मेरे लिए कभी 1 घंटा दिया? मुझे 1 घंटा कभी कहीं लेके गए, कहीं घुमाने लेके गए, कहीं होटल लेके गए? आप बताइए। पति के पास जवाब ही नहीं था, क्योंकि वो सही कह रही थी, क्योंकि उसने कभी अपने पत्नी को समय ही नहीं दिया, ना तो कभी पत्नी की तरफ देखा कि मेरे पत्नी के भी चेहरे में अब धीरे धीरे झुर्रियाँ पड़ने लगी है, बाल सफ़ेद होने लगे हैं, एज बढ़ने लगी है, क्योंकि उसको कभी समय ही नहीं मिला उनको। तो पति ने कहा, कह तो तुम सही रही हो। तो कहीं पत्नी ने कहा, जब मैं सही कह रही हूँ तो आप बताइए, मुझे भी तो 1 घंटे समय दीजिए, क्योंकि मैंने सबको समय दिया, अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों को, अपने सारा कुछ देख रेख में मैं आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ, तो मेरे लिए भी तो आप समय दो, 1 घंटा मेरे लिए। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही हूँ, सिर्फ अपनी लाइफ में आपका 1 घंटा मांग रही हूँ, कि आप मुझे 1 घंटा नहीं दे सकते? 1 घंटा मुझे कहीं बाहर घुमा नहीं सकते? 1 घंटा कहीं ले नहीं जा सकते? या 1 घंटा हम और आप कहीं अकेले घूम नहीं सकते? आप बताइए। ज़िंदगी का ये पड़ाव धीरे धीरे हमारा आगे बढ़ रहा है, और कब उस आगे पड़ाव में कब क्या हो जाए, तो हम तो ये ज़िंदगी तो जी नहीं पाए ना। तो पति ने कहा, बड़े प्यार से अपने पत्नी को गले में हाथ रखा, उसके बड़े प्यार से अपने कंधे पर उसका सर रखा और सहलाया, और उसके माथे को चूमा, कहा, बिल्कुल तुम सही कह रही हो,
रो करके कहा, बिल्कुल सही कह रही हो तुम, सच में मैंने तुम्हें इतने सालों में कभी एक घंटा तुम्हारे लिए मैंने समय नहीं निकाला। क्या करूं, मैं बिजी हो गया, व्यस्त हो गया, कभी ऑफिस में, कभी दोस्तों के बीच में, कभी बाहर की जिंदगी में, कभी माँ बाप में, कभी घर में, मतलब मैंने तुम्हारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। और ये बात जो तुम आज कह रही हो, ये तुमको बहुत पहले मुझसे कहना चाहिए था। अगर मुझे ध्यान नहीं था तो तुम्हें याद दिलाना चाहिए था। तो पत्नी ने कहा, मैं देखती थी आपको कि शायद आप अब कहें कि चलो एक घंटा मैं तुमको बाहर ले चलता हूँ, या अब कहें, लेकिन जब मैंने देखा कि आपके पास टाइम ही नहीं है, आपके पास समय ही नहीं है मेरे लिए, तो फिर मैं शांत होकर बैठ जाती थी। आप कहीं जब बाहर चले जाते थे, मैं एक घंटा किस तरीके से खाली समय को बिताती थी वो मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने आपसे नहीं कहा। मैंने कहा हो सकता है कि आप अब भी मेरे लिए एक घंटा समय निकाल करके मुझे कहीं बाहर ले जाएं, घुमाने ले जाएं, टहलाने ले जाएं, लेकिन जब मैंने देखा, क्योंकि मैं कभी देखती थी बाहर की औरतें अपने पति के साथ कहीं बाहर गई हैं, कहीं टहलने गई हैं, कहीं मूवी देखने गई हैं, कहीं कहीं गई हैं, तो मेरे अंदर भी ख्याल आता था कि मैं भी अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाऊं, घूमने टहलने एक घंटा समय बिताऊं। लेकिन जब मैंने देखा कि आपके पास समय ही नहीं रहा, समय ही नहीं है, आप आते हैं घर, उसके बाद चाय कॉफ़ी पीते हैं, आराम करते हैं, खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह आप खाना लेते हैं, टिफ़िन लेते हैं, और अपने घर को देख करके फिर ऑफिस चले जाते हैं, और फिर ऑफिस से आते हैं, फिर अपने दोस्तों के बीच, फिर घर के बाहर के काम, उसमें आप व्यस्त हो गए। इन सब व्यस्तता में आपने मेरे लिए एक घंटा समय कभी निकाला ही नहीं, कभी दिया ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। तब मुझे ख्याल आया कि अब तो देर हो रही है, अब तो मैं कह सकती हूँ। तो उसके पति इतना, मतलब मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ, मतलब मैंने ये स्टोरी पढ़ी है। उसके बाद उसके पति ने अपने पत्नी को अपने गले से निपटा लिया और माथा चूमा, कहा मैं तुम्हें जरूर ले चलूँगा, ये मेरे अंदर था ही नहीं, आया ही नहीं। फिर वो अपनी पत्नी को, मतलब सबको समय देता, अपने माँ बाप को भी देता, घर को देता, बाहर को देता, लेकिन एक दिन वो अपने पत्नी के लिए समय निकालता। जिस दिन उसकी संडे को छुट्टी रहती थी, उस दिन वो अपने पत्नी को बाहर ले जाता, पूरा दिन घुमाता टहलाता, खिलाता पिलाता, फिर शाम को लेकर के आता। फिर धीरे धीरे उसकी पत्नी भी खुश रहने लगी, और बस उसकी पत्नी को यही चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था। तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी स्टोरी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, दिल को छू जाने वाली स्टोरी है। तो मैं सबसे हस्बैंड से यही कहूँगी कि भले आप व्यस्त हों, भले बिजी हों, घर परिवार में हों या बाहर हों या अपने माँ बाप में, सबकी जिम्मेदारी देखिए, लेकिन एक जो पत्नी है, जो आपकी अर्धांगनी है ना, उसके लिए भी आप एक घंटा ज़रूर समय दीजिए, उसको बाहर घुमाइए टहलाइए। क्योंकि एक पत्नी को यही चाहिए कि वो अपने पति के साथ एक घंटा या एक दिन का समय उसको जरूर निकाल करके दीजिए। तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी स्टोरी, दिल छू जाने वाली, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए ठीक है, रखते हैं, फिर मिलते हैं। लाइक ज़रूर करिएगा, अच्छी लगे, नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई टैक्स कोई पैसा नहीं लगता है, लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय बाय।